तो दोस्तों कुछ ऐसे भी सुपर पावर हैं जिनको करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मेडिटेशन के साथ कुछ और भी करें, ना ना ना, आपको कुछ भी नहीं करना। आप जैसे हैं इसी अवस्था में आपको वो सुपर पावर मिल सकती है, लेकिन कैसे वो अभी आपको पता चलने वाला है। तो जैसे कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन नहीं करना है, मेडिटेशन करने का कोई मतलब नहीं, मगर उसके साथ आपको चक्रासन करना होगा, आपको चक्र अपना जगाना होगा। तो ये तो भाई देखो गलत बात है। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको मेडिटेशन नहीं करना है तो इसका मतलब कि आपको मेडिटेशन के साथ साथ बहुत कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम मुझे पता है कि लोग चाहते हैं आसानी तरीके से उनको सुपर पावर मिल जाए, और ये टेक्निक सबसे आसान है। बस आपको एक चीज़ करना है, विजुअलाइज। आपको ये समझने की कोशिश करना है कि ये जो रियलिटी है, जो एक्चुअल में नहीं है, उसी को आपको रियलिटी में फील करना है, क्योंकि जैसा आप फील करते हैं वैसा ही होता है। तो कौन कौन से सुपर पावर हैं आइए जानते हैं। नंबर वन, साइबोल क्रिएट करना, यानी कि आप अपने अंदर की शक्तियों से, जैसे एक ची एनर्जी होती है, ची एनर्जी, इसकी एनर्जी से एक बॉल क्रिएट कर देंगे। इस बॉल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइक किसी भी चीज़ को लेविटेट करवाना अपने मन की पावर से। टेलीकिनेसिस की बात नहीं हो रही, मन की पावर से जो आप एनर्जी को क्रिएट करके साई बॉल बनाएंगे, उससे आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप साई बॉल से। किसी को फेंक सकते हैं, किसी को धक्का दे सकते हैं। नंबर टू, फायरोकिनेसिस, यानी आप आग को कंट्रोल करना जान जाएंगे। तो इसमें होगा ये कि जो आप किसी भी मेटल को पकड़ेंगे तो आपकी जो एनर्जी है, आग की एनर्जी, उससे आप उस मेटल को गर्म कर सकते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आप आग से, आग कंट्रोल करके कर सकते हैं, लाइक किसी भी चीज़ को जला सकते हैं। नंबर थ्री, द हल्क टाइप पावर, एक्चुअली इसका नाम मुझे नहीं पता, तो इसमें आपकी जो हल्क वाली पावर है ये एक्टिवेट हो जाएगी। हाँ, हल्क की तरह आप बनेंगे नहीं कि बॉडी सोडी डोले सोले निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी आप बस कुछ टाइम के लिए, आपको ऐसा फील होगा कुछ टाइम के लिए नहीं, परमानेंटली आपके पास सुपर पावर आ जाएगी कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, हल्क वाली पावर, ये बहुत मात्रा में इंक्रीज हो जाएगी। आप भारी से भारी चीज़ों को आसानी से उठा सकते हैं, बिल्कुल हल्क की तरह। ये होगा कैसे ये आपको पता चलेगा आने वाले सभी वीडियो में। तो ये एक डिटेल्स वीडियो हैं जो पास टाइप के सुपर पावर की बात करेंगे। क्रायोकिनेसिस, यानी बर्फ़ को कंट्रोल करना, आप किसी भी चीज़ को पकड़ के उसको फ्रीज कर सकते हैं। लाइक अब आप एक मेटल को, रोड को पकड़िए, उसमें आप बर्फ़ की मात्रा छोड़ने लगेंगे, केवल अपने हाथों से फ्रीज करने लगेंगे। आप किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर, घटा सकते हैं क्रायोकिनेसिस के जरिए, क्योंकि इसमें आप बर्फ़ को कंट्रोल करेंगे। लाइक अगर जो पानी हो तो पानी को आप बर्फ़ बना सकते हैं केवल टच करके, और इसकी सबसे बड़ी पावर यही है, पानी को बर्फ़ बनाना, यानी फ्रिज कर देना। और नंबर फाइव, इलेक्ट्रोकिनेसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना, जैसे कि थॉर, हमारा सुपर हीरो थॉर, इस टाइप आप हो जाएंगे। हाँ, उसके जैसे उड़ेंगे नहीं, वो बात अलग है, उसके लिए आपको लेविटेशन करना पड़ेगा। तो आपके अंदर जो बॉडी है, बॉडी में इन सभी चीज़ों का मेल है, जैसे कि आग भी आपके शरीर में है, इलेक्ट्रिक पावर मींस करंट भी आपके अंदर है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ये बिजली प्रोड्यूस करता है, और जो फ्रीजिंग सिस्टम है, ये कूलिंग सिस्टम है, ये आपके अंदर है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे भयानक सा एग्जांपल होगा कि बिना मेडिटेशन के कैसे ये सब संभव है, क्योंकि बाकी यूट्यूबर बताएंगे यार कि इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसे ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि मेडिटेशन आप नहीं करेंगे फिर भी आप इसे सीख सकते हैं। तो जैसे आपके पास एक चुंबक है, और आप जब उस चुंबक को बार 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 एक लोहे की रॉड में रगड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उस लोहे के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो चुंबकीय फोर्स है वो आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, क्या उस लोहे के अंदर पहले से ये पावर थी? नहीं, उसके अंदर थी नहीं, बस उसको बार बार रिपीट करने पर, उसके संपर्क में आने से वो हो गया। तो जब आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, और जब उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्हीं के आसपास जाएंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे कि हाँ, मैं इस रियलिटी में जी रहा हूँ और ये हो रहा है, तो 100% मैं लिखित देता हूँ आपको गारंटी कि ये पॉसिबल है, आप इसे कर सकते हैं। बशर्त ये कि आपको कुछ टाइम लग सकता है, आप कितना टाइम, आई डोंट नो। सो इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है,
जिसमें आपको जानने को मिलेगा साइबोल को क्रिएट कैसे करें, और सेकंड टॉपिक होगा फायरोकनेसिस, और उसके आगे जो हल्क वाली पावर है और क्रायोकनेसिस है और इलेक्ट्रोकनेसिस। इन सभी चीज़ों को आप आसानी से कर लेंगे आने वाली हमारी सभी वीडियो में। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मेरी एक आने वाली स्पेशल सीरीज़ है, जिसमें सीरीज़ का मतलब यही वीडियो होगी, तो उसमें आप जितने भी टाइप के किनेसिस पावर हैं इन सभी पावर को आप जानेंगे डिटेल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक तो आपको पता ही है, ची एनर्जी और साइबोल। बाय।